कोशिश करता हूँ इसके ऊपर गोप्रो को अगर रख के थोड़ा सा, अगर ये ट्राई करते हैं ऊपर लेके जाएगा कि नहीं। ते दवाई का दुखला नहीं फिर मुझे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जी, दो तीन दिन पहले बारिश वाला मौसम था भैया, तो हम तो यही ख्याल कर रहे थे कि शायद बारिश हो जाएगी और फसलों को जो है वो पानी वगैरह अच्छी तरह से लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश हमारे इलाके में नहीं हुई, इर्द गिर्द के इलाकों में बारिश वगैरह वैसे हुई है, तो फिर गर्मी वाला मौसम शुरू हो गया आज से। इस वक्त मैं अपने घर के छत पे मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं हमारे घर के सामने छत के ऊपर का व्यू है जी। और वहाँ पे हमारी सामने माशाल्लाह ये वाली ज़मीनें, आगे वो जानवरों का चारा है और आगे जो है वो सब चावल की फसल। वहाँ पे छोटा सा गांव है जहाँ पे हम रहते हैं, तो हमको कोई भी काम होता है छोटा मोटा काम, कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी हो, कुछ चीनी घी कुछ भी हमको थोड़ा बहुत जो भी सामान चाहिए ना, तो हमको फिर आसपास वाले गाँव में जाना पड़ता है। तो आज मैंने जो है वो कपड़े सिलाई करने के लिए दर्जी को देने हैं, तो अभी चलते हैं उसके पास। सुनाओ सब करी जाने दादा, शुक्र ठीक ठाक, तुम सुनाओ? बस शुक्र है दादा। कपड़े दे दिए हैं जी सिलाई के लिए, अभी चलते हैं वापस। यहाँ पे हमारा स्कूल है जी, प्राइमरी तक हमने यहाँ पे तालीम हासिल की है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोबरे की। आवे जवान बढ़ रहे दिन पठे, ते दवाई का दुखला नहीं फिर मुझे है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे कुएं के जो है वो चारों अतराफ में काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे आदमी बैठ के कुकिंग करे ना, तो फिर उसका अपना ही मज़ा है। और यहाँ पे हम इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि वो यहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा बना देंगे और कभी कभी यहाँ पे आके कुकिंग करेंगे, तो उसका भी एक अपना ही, एक अपनी ही फीलिंग होती है यहाँ पर बैठ के कुकिंग करने में, और यहाँ पर फिर बैठ के आदमी खाना खाए। तो ये वाला नज़ारा
बहुत लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह घास वास है, इसके ऊपर हम नमाज अभी पढ़ते हैं, फिर बाकी देखते हैं बाद में इंशाल्लाह। अभी मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर गोप्रो को अगर रख के थोड़ा सा, अगर ये ट्राई करते हैं ऊपर लेके जाएगा कि नहीं। कल मैं जी ड्रोन के ऊपर अपना गोप्रो रख के उड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसको थोड़ा सा अगर किसी चीज़ से बांध लेता ड्रोन के ऊपर तो फिर तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और इतना भी बचत होगी कि ज़्यादा ऊपर नहीं मैंने लेके गया था ड्रोन को। तो जो मेरा गोप्रो है वो ऊपर से गिर गया और इसके एक पंखे के साथ उसकी स्क्रीन टकरा गई, और स्क्रीन के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए हैं। अभी तो शुक्र है कि लेंस के ऊपर, लेंस के साथ अभी ये वाला इसका पार नहीं टकराया, नहीं तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाना था। अभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस आए हैं तो उसका तो ज़्यादा इशू नहीं है, चलो मुश्किल नहीं है, उसके साथ गुजारा हो जाता, लेकिन अगर लेंस के ऊपर ये वाला पंखा टकरा जाता तो फिर बहुत भारी नुकसान हो जाना था, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना वो बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, और गोप्रो की जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ होती हैं उनके भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।